हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 MCQs की सीरीज़ है। यहाँ पर हम लोग चुनिंदा 8 MCQs को लेकर आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। और ये वो MCQs हैं जो कि न्यूज़ में जो खबरें बनी रही हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बने हैं उनसे क्वेश्चन ये लेकर आपके लाए गए हैं। क्योंकि कभी भी आपके एग्ज़ाम में कभी भी खबरें या फिर न्यूज़ नहीं पूछी जाती हैं, बल्कि उनसे बनने वाले क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो हम इस सीरीज़ में जो भी खबरें रहती हैं वो तो आपको बताते ही हैं, साथ में आपको उनसे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और उन क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपसे कभी भी न्यूज़पेपर छूट जाता है, कोई न्यूज़ आप भूल जाते हो या फिर आपसे मिस हो जाती है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन न्यूज़ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बीच में इसके बिल्कुल भी ना करें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि रिसेंटली द रैम्पेज मिसाइल इज़ यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने, यहाँ पे रैम्पेज मिसाइल आएगा, ठीक है, रैम्पेज मिसाइल का उपयोग किया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये न्यूज़ में छाया हुआ है ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन जाते हैं। तो क्या वो यूक्रेन है, क्या वो इज़राइल है, रशिया है या फिर ईरान है? तो इसका सही आंसर है इज़राइल। ठीक है, इज़राइल, देखो बड़ा बड़ा आपको मैं गोले में इसको रख रही हूँ, सर्कल कर रही हूँ इसको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और रैम्पेज मिसाइल है। अब देखो यहाँ पर आपको पता तो होगा ही कि जो इज़राइल है और जो ईरान है उनके बीच में युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। ईरान ने इज़राइल पर अटैक करा, उसके अगेंस्ट में इज़राइल इस पर अटैक कर रहा है, तो उसी के चलते जो इज़राइल है उसने रैम्पेज मिसाइल का जो अटैक ईरान पर करा है, तो ये हमारी खबर थी। चलो अब हम क्या करते हैं कि इस रैम्पेज मिसाइल के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो पहली बात तो ये है, जो आपकी रैम्पेज मिसाइल है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, एयर टू सरफेस मिसाइल है कि जो हवा से हम ज़मीन पे इसको दाग सकते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा ये है कि जो मिसाइल है आपकी ये जो है ये इज़राइल ने ही डेवलप करी है। किसने डेवलप करी है? ये इज़राइल ने खुद ने डेवलप करी है, इज़राइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री। ठीक है, इज़राइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री प्लस इज़राइल की ही मिलिट्री इंडस्ट्रियल सिस्टम ने इसको डेवलप करा है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारी मिसाइल है रैम्पेज मिसाइल ये लॉन्ग रेंज है। ठीक है, मतलब कि बहुत लंबी रेंज की मिसाइल है। ठीक है, लंबी रेंज का मतलब बोलें तो लंबी दूरी की मिसाइल है ये। ठीक है, फिर ये आपकी सुपरसोनिक है। ठीक है, सुपरसोनिक हो गई, एक ये होगी सुपर सोनिक मिसाइल, मतलब इसकी गति ज़्यादा तेज है। फिर है हवा से ज़मीन पर मार करने वाली है, ये मैंने आपको बता दिया कि एयर टू सरफेस मिसाइल है कि हवा से ज़मीन पर ये मार करती है, ये वाली चीज़ आपको मैंने बता दी। ठीक है, और इसका क्या है कि ये इसका जो स्ट्राइक होती है ना, जो इसकी जो सटीक मानक मारक क्षमता है कि एकदम सटीक जाके लगेगा, कोई भी निशाना अगर ये मिसाइल मारती है तो एकदम सटीक मारती है, इसका जो निशाना है वो चूकता नहीं है, ये इम्पोर्टेंट बात होगी हमारी मिसाइल के बारे में। ठीक है, और ये जो मिसाइल है वो कोई सा भी, चाहे दिन हो, चाहे आपकी रात हो, या कोई सा भी वेदर हो, मतलब कि जैसा मर्जी आपका मौसम हो, ख़राब मौसम, जैसा मर्जी मौसम हो, उन सब में ये चलती है। ऐसा नहीं कि ख़राब मौसम होगा तो हम इसको दाग नहीं सकते हैं, तो इसकी खूबी ये होता हो जाती है। ठीक है, और ये सटीक निशाना लगाती है, ये तो हमने जान ही लिया। ठीक है, तो ये थी आपके लिए रैम्पेज मिसाइल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, मतलब कि हवा से ज़मीन की मिसाइल है। दूसरा ये लॉन्ग रेंज है, तो लॉन्ग रेंज का मतलब है लंबी दूरी वाली है, सुपरसोनिक है, सटीक निशाना लगाती है, चाहे दिन हो, रात हो, या फिर कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, वहाँ पर इसको दागा जा सकता है। साथ में ये इज़राइल ने खुद ने बनाई है, इज़राइल का एरोस्पेस इंडस्ट्री और इज़राइल की मिलिट्री इंडस्ट्रीज सिस्टम ने इसको बनाया है, ये इम्पॉर्टेंट था बहुत ज़्यादा। और किसने करा है? इज़राइल ने इसको यूज़ करा है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ, उससे पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं इस सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ कि जो हमारा जो चैनल है उस पर बहुत सारी सीरीज़ चल रही है, आप सभी बच्चों के लिए चल रही है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों में आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो पहली सीरीज़ है हमारी GS MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग 8 MCQs को डिस्कस करते हैं, जो कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फिर हमारी नेक्स्ट सीरीज़ है Polity MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए 10 MCQs लेकर आते हैं राज्य व्यवस्था, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसके भी क्वेश्चंस और उसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको जानें। अब है हमारी नेक्स्ट सीरीज़ NCERT की, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि NCERT को टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं, पहले हम लोग डिटेल में पढ़ाते हैं, फिर उस चैप्टर से जो MCQ बनते हैं उसको हम लोग डिस्कस कराते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक फंडामेंटल क्लियर करते हैं आप सभी के, ठीक है। हमने ज्योग्राफी से स्टार्टिंग करी है, मतलब कि भूगोल से हमने उसको स्टार्ट करा है, क्लास 7 हम लोग करवा रहे हैं, लगभग ख़त्म होने को ही हमारी 7 क्लास है, और इससे जितने भी MCQ बनते थे उसकी हम लोग जो वीडियो वो निकाल चुके हैं, और यह वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और क्लास 6 हमारी ख़त्म हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि ये आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्यों, ठीक है, फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, क्योंकि आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों वो आपको NCERT फ्री में बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने चैनल पर आपको ये फ्री में दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों को दे रहे हैं, तो जाइए इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी 5 MCQs की ट्रिक्स की, जहाँ पर कि हम लोग एक अनोखे तरीके से आपको MCQs करवाते हैं, ट्रिक्स से जैसा हमने पढ़ा है वैसे आपको पढ़ा देते हैं। फिर है हमारी करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन है, जहाँ पर कि हम लोग जो भी महीने में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं उनको कंपाइल करके आपके लिए मैगजीन के रूप में रख देते हैं, और ये केवल आपके 1-लाइनर होते हैं, ठीक है, कोई आलतू फालतू खबरें नहीं होती हैं, जो एग्ज़ाम में आ सकती हैं वही खबरें होती हैं। फिर नेक्स्ट है हमारी मेंस टॉपिक्स की, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो जाके इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, जहाँ पर कि हम लोग एक टॉपिक्स को पूरा कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं, जिससे कि आपको ये कोई भी क्वेश्चन जो बने आप आराम से कर सकें टॉपिक वाइज। और हम अपने चैनल की कम्युनिटी में रेगुलरली आपके लिए क्वेश्चन डालते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप चैनल में जाइए, देखिए, फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द इथाइलिन ऑक्साइड। यहाँ पर पूछा है कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है उसके बारे में सही विकल्प चुनना है। अब देखो, ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये भी न्यूज़ में था, ठीक है, अब बताऊँगी न्यूज़ क्या था। अब न्यूज़ क्या था कि एक पहले देख लेते हैं, हम ऑप्शन देख लेते हैं कि क्या ये एक कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है, क्या ये कार्सिनोजेनिक है, क्या इससे कैंसर हो जाता है, ठीक है, क्या इसमें जो है मसाला उद्योग मतलब कि जो स्पाइस इंडस्ट्री है वो यूज़ करती हैं इस इथाइलिन ऑक्साइड को, ठीक है, जिससे कि जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है उससे बचा जा सके, या ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, जो इथाइलिन ऑक्साइड है वो पेस्टिसाइड है, ठीक है, वो कार्सिनोजेनिक भी है और इसको मसाला इंडस्ट्री यूज़ करती है। अब ये क्वेश्चन बना कैसे है, ये क्वेश्चन ऐसे बना है क्योंकि न्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी हेडलाइन बनी हुई थी कि ये जो MDH और जो एवरेस्ट है ना, आपने इसके मसाले भी खाते होंगे, तो इनके मसालों में, कुछ मसालों में जो जो आपका जो सिंगापुर है, ठीक है, जो आपका सिंगापुर है और हांगकांग, उन लोगों ने आपत्ति जताई है कि हमें इनके मसालों में MDH और एवरेस्ट के मसालों में इथाइलिन ऑक्साइड का कुछ कंटेंट मिला है, तो इसी को लेकर ये खबरों में छाया हुआ था, ठीक है, तो इसी को लेकर जो हमारी FSSAI है, मतलब कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने जो हमारे जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उनसे सैंपल मांगा है। अब सैंपल मांग के हमारी जो ये इंस्टीट्यूट है ये जांच करेगा कि क्या ये बात सही है भी या नहीं है, क्या सच में MDH एवरेस्ट के मसालों में कैंसर होता है। तो अभी ये न्यूज़ में इतनी ज़्यादा बड़ी खबर है इसलिए ये न्यूज़ में थी, तो यहाँ पर हमारे लिए क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में कि इथाइलिन ऑक्साइड क्या है, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमने आपको ये सारे के सारे पॉइंट बता दिए हैं कि जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये एक कीटनाशक था, ठीक है, इससे कैंसर भी हो सकता है और साथ में ये
क्या करता है कि ये जो माइक्रोबियल कंटेमिनेशन है, मतलब कि जो मसालों में कीड़ा लगने से, अगर हम मोटी मोटी भाषा में बोलें तो कीड़ा लगने से ये बचाता है। अब देखो ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है, इसमें क्या होता है, जो इथिलीन ऑक्साइड है उससे जो डीएनए होता है ना ह्यूमन का, ठीक है, जो ह्यूमन का डीएनए है वो डैमेज हो सकता है, इतनी ज़्यादा ये बड़ा नुकसान ये कर सकता है। एक तरीके का ये टॉक्सिक एजेंट है, अगर हम बोलें मोटे मोटे रूप से अगर हम इसको बोल जाते हैं तो। और क्या कर सकता है कि इसमें क्या है कि इसको, इस पर लंग इंजरी हो सकती है, वॉमिटिंग है, ठीक है, हेडेक है, इस टाइप की हमें शिकायतें हो सकती हैं, ठीक है। अब जो हमारा अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो ईयू है ना, यूरोपियन यूनियन, उसने 2011 में इथाइलिन ऑक्साइड को बैन कर दिया था, ठीक है, इथाइलिन ऑक्साइड को बैन कर दिया था कि इसका यूज़ नहीं करना है। और उसके बाद से जो अभी अगर अब की बात करें, जो इथाइलिन ऑक्साइड है वो केवल डिसइंफेक्टेंट्स, ठीक है, जो डिसइंफेक्टेंट्स और जो मेडिकल डिवाइस जो होते हैं उनको स्टरलाइज करने में ही यूज़ होता है, मतलब जो डॉक्टरी में जो मेडिकल डिवाइस यूज़ होते हैं उनको साफ़ करने में ये यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट्स और मेडिकल। अब देखो कितनी ज़्यादा बड़ी खबर है कि ये जो इथाइलिन ऑक्साइड है ये कार्सिनोजेनिक होते हुए भी सिंगापुर और हांगकॉन्ग के कुछ सैंपल्स में ये पाया गया है एमडीएच एवरेस्ट में, ठीक है। हमने ये खबर भी जान ली, उसके बारे में ये भी जान लिया कि इथाइलिन ऑक्साइड में हमारा क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, योंगली फेस्टिवल रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन द स्टेट। यहाँ पे पूछा है कि जो कृषि से संबंधित योंगली महोत्सव भारत में किस राज्य में मनाया जाता है, तो क्या वो त्रिपुरा में मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, अंडमान निकोबार में, या फिर नागालैंड में। तो इसका सही आंसर है कि ये असम में मनाया जाता है, ठीक है। अब ये न्यूज़ में था क्योंकि रिसेंटली ये फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है। और असम की एक ट्राइब है वो है आपकी तीवा ट्राइब, ठीक है, तीवा ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। अब ये एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, मतलब कि कृषि से संबंधित ये फेस्टिवल है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जो तीवा फेस्टिवल है, सॉरी जो तीवा ट्राइब है आपकी, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इसका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है तीवा ट्राइब की वो फार्मिंग ही है, मतलब कि खेती बाड़ी ही है, ठीक है। अब ये जो अब यहाँ पर क्या होता है, इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, जो तीवा ट्राइब है आपकी वो डांस करती है, प्रेयर करती है भगवान से कि भगवान जी आपने ऐसा करा है कि हमारी जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, ठीक है, जो हमारी फसलें हैं उनको आपने पेस्ट, मतलब कि जो कीड़ों से बचाया है और हमारी फसलों को उगाया है, उस पर जो नेचुरल कैलेमिटीज़, मतलब कि जो प्राकृतिक आपदाएं थी उनसे बचाया है। तो इस वाले फेस्टिवल में भगवान को प्रेयर करी जाती है कि थैंक यू हमारी फसल को बचाने के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, जो आपकी तीवा ट्राइब है वो असम के एसटी स्टेटस दे रखा है, कि असम में इसको एसटी स्टेटस दे रखा है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो लैंग्वेज जो बोलते हैं वो लैंग्वेज बोलते हैं तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज, ठीक है, तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट पूरा का पूरा पॉइंट्स कवर कर लिया, क्वेश्चन कवर कर लिया और हमने खबर भी कवर कर ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुअर मैन डिसीज़ कंसीडर एज अ नेगलेक्टेड डिसीज़ बाय WHO इज़ कॉज बाय बाइटिंग ऑफ। अब देखो पुअर मैन डिसीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, क्वेश्चन में ही हमें मिल गया है कि जो पुअर मैन डिसीज़ है वो एक नेगलेक्टेड डिसीज़ है, ठीक है, जिसको कि WHO ने डिक्लेयर कर रखा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि गरीबी की बीमारी जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग माना है, यहाँ पे नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज़ आएगा, ठीक है, माना है ये बीमारी किसके काटने से होती है, क्या चूहा काट ले तो होती है, तो सांप काट ले तो, या फिर जंगली मधुमक्खी काट ले, या फिर स्कॉर्पियन बिच्छू काट ले, तो ये है आपका सांप काटने से होती है, ठीक है, ये सांप के काटने से होती है, इसको बोलते हैं पुअर मैन डिसीज़, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन देता है। अब ये जो न्यूज़ थी, ये जो हमारा न्यूज़पेपर है, जो हमारा अखबार है, उसमें एडिटोरियल के रूप में आई हुई थी, तो वहाँ पर ये बोल रखा था कि जो पुअर मैन डिसीज़ है ये बहुत ज़्यादा इसके जो केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे एक एंटीडोट बनाने की ज़रूरत है, उसमें और क्या बोले
रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसी से रिलेटेड था, तो हमें यहाँ पे क्या लगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं और देख लेते हैं इसके बारे में कि ये जो आपकी जो ये जो है ना, ये जो पुअर मैन डिसीज़ है सांप के काटने से होती है। अब देखो पुअर मैन डिसीज़ नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये आपके ट्रॉपिकल एरिया में मिलती है। ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया हो गया। देखो अब जो स्नेक बाइट है, जो सांप से काटने की जो खतरा होता है, वो ज़्यादातर आपको रूरल, मतलब कि जो रूरल के ट्रॉपिकल, मतलब कि जो गांव वाले इलाका होता है उसके ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलता है, यहाँ पर ये खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे, कौन सी देशों में, जैसे कि अफ्रीका हो गया, ठीक है, आपका मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, एशिया हो गया, ओशियाना हो गया, ये सारे के सारे, लैटिन अमेरिका हो गया, ये वो एरिया हैं जो कि आपको ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास, ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो ये आपके सारे के सारे वही रीजन है। ठीक है, आसपास के इलाका यहाँ पर हो गया, तो ये आपका हो गया ट्रॉपिकल डिसीज़ होती है। और ये ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं कि जो गाँव का इलाका होता है या फिर सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, एशिया, ओशियाना, अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ईस्ट अमेरिका में ये मिलता है। अब इसमें होता क्या है कि अगर सांप काट लेता है तो इससे लोगों की जान भी जा जाती है, कभी कभी चली भी जा सकती है, इसमें रेयर होते हैं, साथ में कभी विजुअल इम्पायरमेंट हो जाते हैं, लोग अंधे हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक चिंता का विषय बन चुका है। और WHO का ये भी कहना है कि लगभग 81,000 से, अगर हम बोलें तो लगभग 81,000 से 137,000 जो लोग हैं पूरे के पूरे विश्व में, ये हर साल इनकी स्नेक बाइट से डेथ हो जाती है, अपनी जान को ये गंवा देते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि WHO का ये आंकड़ा बताता है कि स्नेक बाइट की जो जो मतलब जो सांप के काटने की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है, लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अब इसी को लेकर WHO ने क्या बोला था कि 2019 में एक रोड मैप तैयार करा था, यहाँ पर बोला था कि जो जो सांप के काटने से जो भी मतलब जो डेथ होती है या फिर जो उनसे डिसेबिलिटी होती है उसको हम लोगों को आधा करना है 2030 तक। ये WHO का कहना है, किसने बोला है ये, WHO ने ये बोला है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो नेगलेक्टिक ट्रॉपिकल डिसीज़ जो होती है, मतलब कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय जो रोग होता है, ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, ये देखो ये आपको मिलेगा डेवलपिंग रीजन में, मतलब कि जो विकासशील जो क्षेत्र है ना उनके, उन रीजन में मिलता है। लेकिन कौन से एरिया में आपको मिलेगा, जो महाद्वीप है, अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, इनके जो विकासशील क्षेत्र हैं यहाँ पर ये ज़्यादा मिलते हैं नेगलेक्टिव ट्रॉपिकल डिसीज़। ठीक है, अब ये किस किस से होते हैं, ये आपको वायरस से भी होते मिल जाएंगे, बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, पैरासाइट से भी हो सकते हैं और प्रोटोजोआ से भी हो सकते हैं। अब देखो नेगलेक्टिंग ट्रॉपिकल डिसीज़ का एक एग्जांपल तो है हमारा कि सांप से काटना, उसके अलावा और भी हैं, जैसे कि स्कैबीज़ होती है आपकी, स्कैबीज़ हो गया, वॉज हो गया, ठीक है, ट्रैकोमा हो गया या फिर चागोज़ डिसीज़ हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि नेगलेक्टिंग ट्रॉपिकल डिसीज़ के एग्जांपल्स आप बता दो, और साथ में वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, ठीक है, इन सब से ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पवित्रा वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, क्या वो वेस्ट बंगाल में है, नागालैंड में है, असम में है या फिर उड़ीसा में है। तो इसका सही आंसर है आपका असम में है। जो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असम में मिलती है। अब देखो असम में और भी आपके नेशनल पार्क मिल जाएंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, मानस नेशनल पार्क हो गया। एक आपका होता है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया। उसके बाद है आपका डिब्रू शेखोवा, ठीक है, डिब्रू शेखोवा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, और एक है बोरनाडी, ठीक है, बोरनाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इस टाइप के बहुत से असम में मिल जाते हैं आपको, नेशनल पार्क मिल जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब कि वन्य जीव अभ्यारण्य मिल जाते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। और अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले एक होलांगप्पर गिप्पन सेंचुरी भी न्यूज़ में थी, ठीक है, यह न्यूज़ में थी, आपको याद भी होगा कि गिप्पन
होलोंगपन गिपन सेंचुरी न्यूज़ में थी। अब ये कहाँ मिलती है, ये मिलती है असम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली द 10 बिलियन बैरल ऑयल रिजर्व फाउंड इन नामीबिया कम्स एट विच पोजिशन इन द अफ्रीकन कंटिनेंट। यहाँ पूछा है कि जो नामीबिया है उसको अभी अभी 10 अरब बैरल तेल का भंडार मिला, ठीक है, तो इसके बाद जो नामीबिया है वो अफ्रीकी महाद्वीप में किस स्थान पर आ गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि नामीबिया में ये ऑयल का भंडार आपको मिला है। तो क्या 6 पर आ गया है, 8 पे, 3 पे या फिर 2 पे? तो इसका सही आंसर है तीसरा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अफ्रीकी महाद्वीप में किस स्थान पर आ गया है तो वो आपका आ गया है तीसरा, लेकिन अगर विश्व में पूछा जाता है तो ये आपका आता है 15, ठीक है, 15वें स्थान पर आ गया है। वर्ल्ड में 15th लार्जेस्ट रिजर्व बन गया है नामीबिया का, और उससे पहले अगर अफ्रीका में पूछे तो लीबिया है, उसके बाद आपका नाइजीरिया है, और उसके बाद आपका आ गया है नामीबिया, ठीक है, ये नामीबिया आपका आ गया है। अब न्यूज़ में क्या है कि न्यूज़ में ये है आपका कि जो पोर्टुगीज़ कंपनी है, ठीक है, देखो पहले यहाँ देख लेते हैं कि आपको नामीबिया मिलेगा कहाँ, ये आपका अफ्रीका है तो यहाँ पर साइड में एकदम कोने पर यहाँ पर आपको नामीबिया मिल जाती है, ये कंट्री आपकी नामीबिया है, और यहीं पर इसका एक ऑरेंज बेसिन है, ठीक है, यहाँ पर है एक ऑरेंज बेसिन, यहीं पर इस ऑयल रिज़र्व को खोजा गया है, 10 बिलियन बैरल का ऑयल रिज़र्व खोजा गया है। अब ये न्यूज़ में था क्योंकि न्यूज़ में क्या है कि यहाँ पे खोज लिया जो आपकी पोर्टुगीज़ कंपनी है, ठीक है, जो पोर्टुगीज़ कंपनी है उसको गैल्प करके एक कंपनी है, उसने ये बोला है कि हमने ये रिज़र्व खोज दिया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 10 बिलियन बैरल का ऑयल मिलना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बोलें तो टोटली अगर हम बोलें जो नामीबिया में है, जो नामीबिया के ऑयल डिपॉजिट है, जो नामीबिया का जो ऑयल डिपॉजिट है उसमें एस्टिमेटली 21 बिलियन बैरल ऑयल अब उसके पास हो गया है, अगर एस्टिमेट इसमें लगाया जाए तो। और कहाँ मिला है, ऑरेंज बेसिन में मिला है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑरेंज बेसिन में मिला है। और नामीबिया का ये भी मानना है कि और जगह भी एक्सप्लोर करें तो हमें यह ऑयल मिल सकता है, ठीक है, ये खबर थी, इम्पॉर्टेंट थी। अगर अफ्रीका का है तो 3rd नंबर पर है, और अगर पूरे वर्ल्ड में है तो 15 नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका शोला ग्रासलैंड, यहाँ पर क्या है कि जो शोला घास के मैदान पाए जाते हैं, यहाँ पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट पे, अरावली पर, विंध्या हिल्स पर या फिर ईस्टर्न घाट पर, तो उसका सही आंसर है वेस्टर्न घाट, मतलब कि पश्चिमी घाट पर शोला ग्रासलैंड पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये खबरों में था, क्यों खबरों में था, क्योंकि जो तमिलनाडु है और जो केरला है उन्होंने ये बोला है कि वहाँ पर एक तरीके का एक हिरन जैसा एक जानवर पाया जाता है जिसको बोला जाता है नीलगिरी तहर, ठीक है, नीलगिरी तहर है उसको वो काउंट करेंगे, सर्वे करेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसको बोला था, तो ये न्यूज़ में था। और जो आपका नीलगिरी तहर है ये तमिलनाडु का जो है वो तमिलनाडु ने इसको बचाने के लिए एक प्रोजेक्ट भी चला रखा है, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था। और जो नीलगिरी तहर है ये जानवर है ये IUCN में एंडेंजर की लिस्ट में आ जाता है। चलिए आप थोड़ा जान लेते हैं कि जो शोला ग्रासलैंड है उनके बारे में जान लेते हैं। अब देखो जो शोला ग्रासलैंड है अगर हम उसमें अपनी इंडिया बनाएं, ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पर वेस्टर्न घाट में पर्टिकुलरली पाए जाते हैं, ठीक है, वेस्टर्न घाट में पर्टिकुलरली ये पाए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, ये जो एरिया है ये यहाँ पर ग्रासेस उगती हैं, ठीक है, थोड़ी घास के मैदान हैं, और ये जो हिल है ना, हिली एरिया जो होता है उसके ऊपर छोटी छोटी ग्रासेस उग जाती हैं, तो उसको हम बोल देते हैं शोला ग्रासलैंड। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट में मिल गए, ये हमने लिख लिया, ठीक है, वेस्टर्न घाट में मिल गए, साथ में ये अन्ना मतलब कि पश्चिमी घाट में मिल गए, और अन्नामुडी, ठीक है, अन्नामुडी हो गया, और नीलगिरी हिल्स में भी ये शोला ग्रासलैंड पाई जाती है, इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी बड़ी छोटी छोटी ग्रासलैंड पाई जा रही है, इतना अच्छा यहाँ का एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, तो यहाँ पर आपको जो है एंडेंजर स्पीसीज़ भी मिल जाती हैं, किसकी, जैसे कि पेड़ पौधों की हो गई, पेड़ पौधों की स्पीसीज़ मिल गई, ठीक है, जाति मिल गई उनकी, मतलब कि फ्लोरा एंड फौना मिल गया, और साथ में जानवरों की स्पीसीज़ भी यहाँ पर मिल जाती हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारा। और यहाँ पे इनको अगर हम बोलें तो ये शोला घास के जो मैदान हैं वो उष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन है, ठीक है, उष्ण क्या है ये आपके उष्ण
कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पहाड़ी, ठीक है, उष्णकटिबंधीय पहाड़ी ये वन है जो कि हमें दक्षिणी भारत में ये पाए जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। और ये इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो वन है, शोला ग्रासलैंड है, ये जो आपका जल चक्र होता है ना, मतलब कि जबकि वाटर साइकिल है, जिसको कि अगर आपको वाटर साइकिल देखनी है तो एनसीईआरटी आप जाके देख सकते हैं, आपको हम समझा चुके हैं, तो उसको भी मेंटेन करने में ये हेल्प करती है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये, ठीक है। चलिए, ये था पूरा का पूरा शोला ग्रासलैंड, इसकी खबर हमने देख ली, क्यों है न्यूज़ में, नीलगिरी तहर के बारे में जान लिया। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। अब प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम अर्बन आएगी यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ दी फॉलोइंग मिनिस्ट्री। यहाँ पर पूछा है कि भारत सरकार द्वारा लागू प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाले, मतलब कि शहरी, ठीक है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। अब कौन सा मंत्रालय है, क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, मतलब कि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, या फिर गृह मंत्रालय है, या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय है। तो इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मतलब कि आवास और शहरी विकास मंत्रालय। अब ये खबरों में क्यों था कि जो हमारे पीएम मोदी जी हैं वो एक जगह एड्रेस कर रहे थे, मतलब ठीक है, लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने इस जो स्कीम है उसके बारे में जिक्र करा। अब उनका जिक्र करना हमारे लिए क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो हम इसकी स्कीम के बारे में जान लेते हैं। पहले हमने अब जाना कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, उसका मंत्रालय कौन सा है, तो यह क्या आवास और शहरी विकास मंत्रालय हो गया। अब इसको इम्प्लीमेंट इन्होंने करा था 2015 में करा था, मिनिस्ट्री हमने आपको बताई थी। साथ में इनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो लोग हैं, ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको ऑल वेदर पक्का, एक पक्का हाउस बना के देना था, ठीक है, कब तक, 2022 तक इनको देना था, ठीक है। ऑल वेदर का मतलब कि हर मौसम में पक्का हाउस इनको बना के देना है, ठीक है, ये हो गया। साथ में ठीक है, तो यहाँ पर ऑल वेदर पक्का हाउस का मतलब है कि ऐसा घर, ऐसा मकान जो पक्का हो, चाहे कोई सा भी मौसम क्यों ना हो, चाहे बारिश आए, बाढ़ आए, तूफान आए, लेकिन वो घर इंटैक्ट रहे, टूटे ना, उड़े ना। तो उनका मतलब यही है कि ऑल वेदर पक्का हाउस, मतलब ये वाला हमारा हाउस हो गया। अब यहाँ पे केवल यही नहीं है कि इसमें जो ईंटों का बना हो, ठीक है, और साथ में ईंटों का बना, मिट्टी का नहीं होना चाहिए, उसी को हम पक्का हाउस बोलते हैं। साथ में ये भी है कि केवल हाउस बना के नहीं देना, केवल मकान बना के नहीं देना है, उसके अंदर आपको बेसिक एमिनिटीज़, मतलब कि सुविधाएँ भी देनी है, जैसे कि टॉयलेट बना के दो, शौचालय बना के दो, वाटर सप्लाई करो कि पानी दो, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली भी होनी चाहिए, साथ में किचन भी होना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट था इस वाले स्कीम में, जो कि हम कौन सी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे शहरी स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, अर्बन एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो स्कीम है आपकी, ये वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करती है, मतलब कि महिला सशक्तिकरण को प्रमोट करती है। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे जो प्रेफरेंस दी जाएगी ना, वो SC ST माइनॉरिटी, सिंगल वुमेन, सीनियर सिटीजन्स, इन सबको और वनरेबल सोसाइटी के जो सेक्शन होते हैं उनको दी जाएगी। ठीक है, ये था हमारा आज का 8 MCQs का सीरीज़ थी। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में हमसे पूछ सकते हैं, भेजक पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, बहुत सारे बच्चों का शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बाकी बच्चों से भी करवाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।